कि वो कहता क्या है, नरकासुर बलि चढ़ाएंगे तो शक्ति बढ़ेगी। आज भी इस दुनिया में बहुत लोग हैं वो कहते हैं बलि देने से शक्ति बढ़ती है, इसलिए बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मंदिरों में बलि भी देते हैं, जानवरों की बलि देते हैं, होता है ना, सुना होगा आप लोगों ने भी, बलि देंगे किसी और को मारेंगे तो उससे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। एक बार एक विचित्र घटना घटी थी, गुरु रामकृष्ण परमहंस, दक्षिणेश्वर के गुरु रामकृष्ण परमहंस कोलकाता, उनके मंदिर में एक बड़ा सा सेठ आया करता था, हर नवरात्रे में सेठ आता था और हर बार जब नवरात्रे में वो आता था तो एक बड़ा सा बकरा लेकर आता था, तंदुरुस्त सा बकरा लेकर आता था और उस बकरे की बलि चढ़ाया करता था मंदिर में। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कई बार देखा, उससे पूछा कि बलि क्यों चढ़ाते हो, तो कहता है इससे देवी प्रसन्न होंगी, देवी प्रसन्न होंगी, देवी को प्रसन्न करने के लिए मैं बलि चढ़ाता हूं। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उसे मना करने की कोशिश की लेकिन वो माना नहीं। इंसान अपनी ही धारणा से, अपने ही विचारों से, अपने ही मन से चलता है और जैसा उसे उचित लगता है वैसा ही करता है, तो मानता नहीं है। और लगातार कई वर्षों तक यह सिलसिला चला और हर साल वो आता था, एक बड़ा सा बकरा लेकर आता था और सबसे महंगा बकरा लेकर आता था और बलि चढ़ाया करता था। कुछ साल बीतने के बाद नवरात्रे में एक साल वो सेठ आया नहीं। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने पूछा अपने शिष्यों से, क्या बात है वो सेठ आया नहीं, प्रत्येक वर्ष तो आता है, इस वर्ष क्यों नहीं आया, कारण क्या है? तो छात्रों ने कहा कि गुरुवर हमें भी पता नहीं, हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, कहीं बाहर चले गए होंगे इसलिए आए नहीं होंगे। कुछ दिनों के बाद वो सेठ आता है और जब सेठ आता है तो गुरु रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, क्या बात है इस नवरात्रे में बकरा लेकर नहीं आए, क्या हो गया, क्या भक्ति कम हो गई, क्या देवी माँ को प्रसन्न नहीं करना है, क्या देवी माँ प्रसन्न हो चुकी हैं? वो कहता है गुरुवर आना तो चाहता था लेकिन आ नहीं पाया। पूछते क्यों नहीं आए, क्या करूं गुरुजी, अब दांत ही सारे टूट गए हैं इसलिए बलि नहीं चढ़ाता हूं, अब मेरे दांत ही सारे टूट गए हैं इसलिए बलि चढ़ाने का क्या फायदा, यानी कि अब दांत खत्म है, अब मैं मांस खा नहीं सकता, हड्डी चबा नहीं सकता, तो बलि चढ़ाऊं तो किसके लिए चढ़ाऊं, पहले क्या बोलता था, देवी माँ प्रसन्न होंगी, पहले बोला देवी माँ प्रसन्न होंगी, माँ को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ा रहा हूं, और जैसे ही उस सेठ के दांत टूटे, अब मांस नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना कर दिया होगा मांस नहीं खाना है, तो कहता है अब दांत ही टूट गए तो बलि क्यों चढ़ाऊं, यानी देवी माँ का नाम लेकर खुद के मुंह में डाले चला जा रहा था वो बकरे को। ये है इस दुनिया की सच्चाई। भगवान, कभी कोई भगवान नहीं कहते कि मेरे जीव जंतुओं को मारूं, मां कहती है मैं सबकी मां हूं, सिर्फ मनुष्यों की मां नहीं हूं, सभी प्राणियों की मां हूं, जीव जंतुओं की मां हूं, प्रकृति की माता हूं मैं, यानी प्रकृति में वास करने वाले सारे वनस्पति जीव जंतु सभी की माता माता रानी है। तो मां कभी नहीं कहती कि जीव हत्या करो और तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। बलि का जो अर्थ है, बलि का जो शब्द है, बलि शब्द का अर्थ ये नहीं होता कि किसी जीव जंतु को मारो या खुद को भी मारो या किसी इंसान को मारो, ये बलि का अर्थ नहीं होता है। बलि का अर्थ होता है वो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से किसी की शक्ति बलशाली हो जाए, उसको बलि कहते हैं, यानी वो गतिविधि जिसके करने से किसी की शक्ति बढ़ रही हो, चाहे आपकी चाहे किसी और की बढ़ रही हो, तो उसे बलि कहते हैं। बलि का अर्थ होता है दान देना, बलि का अर्थ होता है किसी को शक्ति दान करना। हमारे समाज में हमारे ऋषियों मुनियों ने 5 तरह की बलि की बात की है। पहली जो बलि आती है गौ बलि बोलते हैं उसको, गौ बलि। तो गौ बलि का मतलब लोगों ने क्या सोचना शुरू कर दिया, गौ माता का बलि चढ़ा दो, गौ माता को मार डालो, यानी गौ बलि हो गया। वो गौ बलि नहीं है। गौ बलि का अर्थ होता है कि गौ माता जब आती है आपके पास या आप गौ माता के पास जाते हो, तो बेहतर जो भी आपके घर में पकवान बने हैं या भोजन बना है उसका पहला अंश गौ माता को अर्पित करो, यानी पहली रोटी जो आपकी बन रही है वो पहली रोटी आप गौ माता को अर्पित करो, यानी गौ माता इस दुनिया की
हमारी खुद की स्वयं की माता के बाद दूसरी माता गौ माता है। हम सभी की तीन माताएं हैं, हम सभी की तीन माताएं होती हैं। एक वो माँ जिसने हमें जन्म दिया, हम सभी को जन्म दिया, हमारी सबकी अपनी अपनी एक एक माँ है। दूसरी माँ वो, अगर मेरी माँ, अगर मैं बच्चा था और मेरी माँ के शरीर में दूध नहीं बनता था तो उस समय मेरी माँ गौ माता का दूध लेकर मुझे पिलाया करती थी। यानी मैंने गौ माता का दूध पिया है तो गौ माता भी मेरी माता है, यानी दूसरी माता गौ माता है। और इन दोनों की माताएं, यानी मेरी माता और गौ माता, दोनों का भरण पोषण करने वाली वो माता तीसरी माता है, जो धरती माता है, प्रकृति माता है। अगर ये धरती माता नहीं होती तो अनाज नहीं होता, जिससे मेरी माँ जीवित नहीं होती, उनका जीवन नहीं चलता। धरती माता नहीं होती तो घास नहीं होते, जिससे कि गौ माता को सुचारू रूप से भोजन नहीं मिल पाता। यानी कि जो हमारी दोनों माताओं को चला रही है वो धरती माता है। वो वनस्पति के रूप में भोजन दे रही हो, चाहे कंदमूल के रूप में या अनाज के रूप में भोजन दे रही हो, वो धरती माता है। तो तीन माताएं हम सभी की है। तो जो गौ बलि कहते हैं, गौ बलि का मतलब होता है प्रत्येक इंसान को अपने हिस्से के भोजन का पहला अंश गौ माता के लिए निकाल देना चाहिए। और अगर अपनी गौ माता के लिए आप भोजन निकाल कर दे रहे हो और उसका भरण पोषण हो रहा है, पेट भर रहा है, गौ माताएं सुरक्षित है, इसका मतलब गौ बलि दे रहे हो, यानी गौ माता की शक्ति को बढ़ा रहे हो। गौ संवर्धन, गौ संवर्धन करना, गौ की रक्षा करना ही गौ संवर्धन। जिसकी सुरक्षा चाहते हो, जिसकी सुरक्षा करते हो, उसी का विकास होता है। विकास के लिए सुरक्षा जरूरी है और सुरक्षा के लिए अनाज जरूरी है और भरण पोषण होना जरूरी है। तो गौ माता की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो दान आप देते हो उसको गौ बलि कहते हैं, उससे गौ माता की शक्ति बढ़ती है। जो दूसरी शक्ति है वो कहते हैं स्वान बलि। स्वान किसको कहते हैं? कैसा? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जोर से तालियां बजा दीजिए। हाँ, कहने का अर्थ है कैसे सोना है, कैसे सोना, जोर से बोलो। तुम लोग शर्माते क्यों, बोलो। हाँ बेटा कैसे सोना, अभी भैया का बोले कुत्ते की तरह सोना है, कुत्ते की तरह सोना है। कितने लोग हैं जो कुत्ते की तरह सोते हैं? कुत्ते की तरह सोने वाले कौन है? कोई भी नहीं। अब कुत्ते की तरह सोने का मतलब ये नहीं कि जाके झाड़ी में सो जाओ, पुआल में घुस के सो जाओ, कुकुर कुंडली मार के सो जाओ। कुत्ते कैसे सोते हैं आपको मालूम है ना? एकदम कुंडली मार के बॉल की तरह गोल होके सोते हैं, ठीक है? वैसे नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कुत्ते की तरह सोने का मतलब होता है कि कुत्ता जितना सचेत होकर सोता है वैसे सचेत होकर, यानी सोए भी रहो और जगे भी रहो, एक ही साथ सोना भी और जगना एक साथ दोनों। कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में हो, हल्की सी आहट आ जाए कुत्ता जग जाता है, होता है ना? थोड़ी सी आहट आ जाए कुत्ता जग जाता है। और कुत्ता सिर्फ जगता नहीं है, उस थोड़ी सी आहट के साथ सतर्क होकर लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। हल्की सी आहट आ जाए तो लड़ने के पोजीशन में खड़ा हो जाता है। ये नहीं कि अभी उठ रहा है, थोड़ा जमाई उमाई करेंगे, थोड़ा इधर खींचेंगे, थोड़ा आंख वाख मलेंगे, तब तक चोर चोरी करके चला जाएगा, ऐसा नहीं करता वो। वो बिल्कुल थोड़ी सी आहट होती है तुरंत सतर्क हो जाता है। चोर पता है सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? पुलिस से नहीं डरते चोर ना, चोर कुत्तों से ज्यादा डरते हैं। और कुत्ता कैसा, वो तंदुरुस्त पहलवान कुत्ता नहीं, वो गली का मरियल कुत्ता भी होगा ना, जिसके चमड़े उतरे हैं, बाल शरीर पे नहीं है, एकदम बिल्कुल लग रहा है दारा सिंह जैसा, है ना, हिलता डोलता हुआ, लंगड़ाता हुआ, सड़ा हुआ कुत्ता। उस सड़े हुए कुत्ते से भी चोर बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ करे ना करे ये भोंक जरूर देगा, है ना, ऐन वक्त पे भोंक देता है और सारी योजना विफल कर देता है वो। तो कुत्ते से चोर डरते हैं, पुलिस वाले तो बहुत बाद में आते हैं, कुत्तों से पहले डरते हैं वो। तो स्वान बलि बोलते हैं उसको, स्वान बलि। स्वान बलि का अर्थ होता है कि आप अपने भोजन का एक हिस्सा उस स्वान के बलि के लिए भी रखो। गौ माता क्या है?
गौ माता को बलि क्यों देना, यानी शक्ति क्यों बढ़ाना, भरण पोषण के लिए। वो भरण पोषण करती है, वो माँ है, लेकिन कुत्ता जी कौन है? रक्षक है, वो हमारे को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। भरण पोषण बहुत अच्छा होगा, सुरक्षा ही नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे आप? घर में बहुत सुंदर सुंदर जेवर जेवरात हैं, फर्नीचर हैं, सारे के सारे जितने भी खूबसूरत चीजें हैं सब कुछ घर में है, लेकिन घर में एक छोटा सा ताला ना हो गेट पे तो फिर क्या होगा? वो जो गेट का ताला है ना, वही सुरक्षा है, वही स्वान है, वो सुरक्षा देता है। और वो जो सुरक्षा देता है, उसकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए आप उसे भोजन दो ताकि वो समाज में रहे। आप लोग देते हो? कितने लोग देते हो? देते हो बस बेटा, दो ही लोग, और नहीं देते? सब लोग नहीं देते? देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। अभी देखो क्या है, क्यों देना चाहिए। अच्छा एक चीज और मैं देखता हूं, अक्सर लोग जब हम लोग बलि देते हैं ना, मतलब दान देते हैं, तो कैसा दान देते हैं? कुत्तों को कैसा खाना देते हैं? कैसा खाना देना चाहिए? जो बच जाए, जूठा बचे, उसी को देंगे, है ना? वो मत करिए। आप किसी को दान भी दे रहे हैं और जूठा दान देंगे, वो भी आपकी घर की रक्षा कर रहा है। गौ माता भी आपके घर का भरण पोषण कर रही है। जूठा कभी मत दीजिए। जूठा देने से क्या होगा कि जूठा किसको दिया जाता है? दो शक्तियां होती हैं, सकारात्मक नकारात्मक। जो देवी देवता होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, उनको हमेशा ही शुद्ध प्रसाद देना चाहिए। जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनको तामसिक भोजन, सड़ा हुआ भोजन देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं, जब अपने पूजा पाठ करते हैं तो वो मांसाहार को चढ़ाते हैं, मांस को चढ़ाते हैं। वो तामसिक भोजन है, वो खराब भोजन है, उसको देते हैं। क्यों? क्योंकि भूत पिशाच और प्रेतों को बुलाना है। नकारात्मक शक्तियों को बुलाने के लिए नकारात्मक भोजन, अशुद्ध भोजन दिया जाता है। मदिरा भी देते हैं, शराब भी पिलाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। तो आपका भोजन तय करता है कि आप किसी को देवता बना रहे हो कि दानव बना रहे हो। आप किसको क्या दे रहे हो? आपके घर में कोई मेहमान आया है, मेहमान तो अच्छा है, लेकिन आप उसे झूठा प्रसाद खिलाओ, झूठा भोजन कराओ, क्या वो मेहमान आपको आशीर्वाद देकर जाएगा, खुश होकर आपके घर से जाएगा या दुखी होकर जाएगा? है तो इंसान वही, वो बुरा नहीं था, लेकिन आपके झूठे प्रसाद को जब देखता है कि ये झूठा प्रसाद है, तो वो दुखी होकर जाता है आपके घर से। फिर उसके अंदर से आशीर्वाद नहीं निकलेंगे, उसके अंदर से प्रार्थनाएं नहीं निकलेंगी, वो दुखी होकर जा रहा है। यानी कि आप दान भी दे रहे हो, लेकिन नकारात्मक शक्तियों के साथ वो दान दे रहे हो, वो अच्छा इंसान भी नकारात्मक होकर आपके घर से जाएगा। सभी लोग राम नहीं होते, ये सच्चाई है। सभी राम नहीं होते हैं कि कोई सबरी जूठा बेर खिला देगी और राम प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो भगवान होते हैं, इसलिए जूठे बेर को भी खाकर प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। लेकिन आम जीवन में, आम जीवन की जो सच्चाई है, चाहे गौ माता को दान करो, चाहे स्वान को दान करो, किसी को भी दान करोगे, तो आप शुद्ध भोजन दान करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके घर की बरकत शुरू हो जाती है, धीरे धीरे आपके घर की तरक्की होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी उस भोजन को खाकर जा रहा है, उसके साथ वो पवित्रता के भाव भी जा रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भोजन में पवित्रता के भाव भी मिले रहते हैं। अब एक तीसरी बलि है, तीसरी बलि हमारे समाज में हमारे गुरुओं ने कहा काक बलि। काक बलि का अर्थ क्या होता है? काक मतलब कौवा, कौवा। काक बलि देना चाहिए। कौवा को खिलाते हैं कब? एक समय ऐसा आता है जब कौवे को हम लोग भोजन देते हैं। वो कौन सा पर्व है? कौन सा पर्व है? पितृपक्ष में कौवे को खिलाते हैं। क्यों? क्यों? कहते हैं कि कौवे के पास ऐसी शक्ति है जो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकता है। ये शक्ति होती है कौवा के माध्यम से। कौवे के मुख से ही हमारे पूर्वज भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए काक बलि दिया जाता है, कौवे को भोजन कराया जाता है। और कौवे को भोजन कराने का अर्थ सिर्फ कौवे को भोजन नहीं, सभी
पक्षियों का भोजन एक साथ शामिल हो जाता है। यानी कि वो जो इस नभ में हैं उन सबको बलि दो, यानी सबके लिए कुछ दान करो, सबको बचाओ। आपको पता है इस दान से आपको लगता होगा कि हमारे अनाज की बर्बादी होगी, अनाज खत्म होगा, ऐसा नहीं है। वो बहुत कुछ है जो वो कर रहे हैं। जब से ये दूर संचार की शुरुआत हुई है ना, बड़े बड़े टेलीफोन टावर्स लगे हैं, तब से बहुत ऐसे ऐसे छोटी छोटी पक्षियां हैं, वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होते चली जा रही है। इन टावर्स के रेडिएशन के कारण से बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनकी संख्या घटते चली जा रही है। लेकिन इन पक्षियों का योगदान क्या है, ये पक्षी करते क्या हैं? ये पक्षी वो हैं जो हमारे खेतों में लगने वाली फसल के ऊपर जब कीड़ों का हमला होता है तो यही छोटे छोटे पक्षी बचाते हैं। ये छोटे छोटे कीटाणुओं को, विषाणुओं को, टिड्डों को, ये जो टिड्डे होते हैं ना, उड़ते हैं, इन टिड्डों का हमला जब आपके खेतों पे हो जाए तो एकड़ के एकड़ भूमि को ये टिड्डे खत्म कर देते हैं, अनाज के अनाज खा जाते हैं, खत्म हो जाता है, एक भी अनाज आपके घर में नहीं आएगा अगर टिड्डों का हमला होगा। आपको पता है ये टिड्डों से आपके खेतों की रक्षा कौन करता है? इन टिड्डों से, इन टिड्डों के हमला से आपके खेतों को कौन बचाता है? आपके घर में एक चिड़िया होती है, कौन सी चिड़िया? गौरैया, टिड्डों को रोकती है। जहां गौरैया होती है वहां टिड्डे नहीं आते। चीन बड़ा विचित्र देश है, चीन की बात है, वहां माओ नाम का एक था नेता। वहां के लोगों ने यह निर्णय किया, आपस में विचारवान जो लोग होते हैं, बड़े बुद्धिशाली लोग होते हैं, बैठ के मीटिंग करके वो कहते हैं कि एक जो चिड़िया होती है, एक बार में एक जो गौरैया चिड़िया होती है, वो एक दिन में 100-200 ग्राम खा जाती है अनाज। तो लाखों करोड़ों चिड़िया है चीन में और 100-200 ग्राम रोज खा रही है, तो एक महीने में कितना खाती होगी, एक साल में कितना खाती होगी, 10 साल में कितना खाती होगी, बैठकर उन्होंने पेपर पर सब बना दिया। बुद्धिजीवी लोग ऐसा काम करते हैं, बैठ के पेपर पर सब बना देते हैं कि इतने इतने हजारों एकड़ की भूमि के अनाज को ये गौरैया खा जाती हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की अमीरी बढ़े तो इस देश से गौरैयों को समाप्त कर दो, क्योंकि गौरैया नहीं खाएगी तो फिर अनाज बचेगा, हम लोग खाएंगे और हम लोग अमीर बन जाएंगे। क्योंकि उस समय चीन बहुत गरीब था, ये 1970 से पहले की बात है, चीन बहुत गरीब था, अनाज की कमी थी। तो इन लोगों ने, विचारवान लोगों ने यह निर्णय किया कि गौरैया को खत्म कर दो, गौरैया नहीं रहेगी तो उसके बाद से अनाज बचेगा, हमारी अमीरी बढ़ेगी। और सरकार के जो शीर्ष पे बैठे हुए लोगों ने घोषणा कर दी कि चलो सारे गौरैया को मार डालो। अब कोई मार ही नहीं रहा था और गौरैया मर ही नहीं रही थी, क्योंकि गौरैया तो उड़ जाती थी ऊपर आकाश में, कौन मारेगा। तब चीन की सरकार ने यह घोषणा की, जो गौरैया मार कर लाएगा, जितनी लेकर आएगा उसके अनुसार से हम पुरस्कार देंगे। यानी लाओ, मारो और मार कर उसके बाद से तुम लेकर आओ, एक एक गौरैया दिखाओगे उस पर हम पैसे देंगे। तो लोगों के उस उनके जीवन में गरीबी थी, तो गरीबी मिटाने के लिए, पैसे कमाने के लिए उन लोगों ने गौरैया मारना शुरू कर दिया और गौरैया मारने लगे। कैसे गौरैया मारे? और गौरैया जो उड़ जा रही है तो मारेंगे कैसे? ये बड़े बड़े टीने के डब्बे, टीने के कनस्तर, बड़े बड़े टीना या कुछ भी लेकर डम 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 बजाते रहते थे। दौड़ रहे हैं 100-200-400 लोग गांव में एक साथ दौड़ रहे हैं और बजा रहे हैं। यानी गौरैया उड़ती थी, ऊपर जाती थी, उड़ रही है, लेकिन थकेगी तो नीचे आएगी, तो किसी पेड़ पे बैठेगी। लेकिन ये तो दिन भर चिल्ला रहे हैं, दिन भर टीना बजा रहे हैं, उसके पीछे जहां बैठती थी, जहां पेड़ों के पास, वही टीना बजाना शुरू कर देते थे। नतीजा ये हुआ, गौरैया उड़ते उड़ते थक कर गिर जाती थी जमीन पे और ये लोग पकड़कर मार देते थे। ये चीन के लोगों ने मार दिया। और जिस दिन ये घोषणा हुई थी, एक दिन के अंदर 2 लाख गौरैया को मारा, एक दिन के अंदर, और एक महीना के अंदर करोड़ों करोड़ गौरैयों को मार डाला इन लोगों ने, चीन के लोगों ने, समाप्त कर दिया। सरकार खुश हो गई, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है, प्रकृति कुछ और लीला चलती है, भगवान की रचना बड़ी विचित्र है।
उसी साल टिड्डों का हमला हुआ, उसी साल टिड्डों का हमला हुआ और सारे के सारे अनाज को टिड्डों ने खेत के अंदर ही खत्म कर दिया और भयंकर भूखमरी हुई थी और लगभग कहते हैं 2 करोड़ लोग चीन में उस साल भूखमरी से मर गए थे। जब गौरैया को मार रहे थे तो सोच रहे थे कि हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं था कि यही वो गौरैया है जो हमारा पेट भरने में सहयोगी बन रही है। थोड़ा खाती है लेकिन बहुत बचा लेती है, तो थोड़ा सा खाना, वो थोड़ी सी बलि, थोड़ा सा दान उनको पसंद नहीं था, सारे के सारे को गंवा दिया, है ना। यानी जिंदगी का यही नियम है, आपके आसपास में जो चिड़ियाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपकी भी रक्षा कर रही हैं, इन टिड्डों से, इन छोटे छोटे कीटाणुओं से, विटाणुओं से रक्षा कर रही है। तो इनकी रक्षा के लिए वो अपनी ड्यूटी निभा रही है, वो अपना कर्तव्य कर रही है चिड़ियाएं, लेकिन आपकी भी तो ड्यूटी बनती है कि आप भी उनको कुछ दो। तो उसे देने के लिए एक नियम का पालन आप सभी करना शुरू कर दें, मैं खुद करता हूं, आप भी करें। जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, माताएं आप भी आज जाएंगी खाना खाएंगी, तो खाना खाने जब भी बैठे तो जरूर शुरुआत में ही भगवान को धन्यवाद करके भगवान का नाम लेकर खाना खाएं, क्योंकि ये प्रसाद है। लेकिन उससे शुरू में ही, खाना से पहले ही थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा ही, एक कौर ही अनाज है वो निकाल कर अलग रख दें, जूठा करके नहीं, अलग रखें और उसको जमा करें। घर का प्रत्येक सदस्य उस छोटे से अनाज को, पके हुए भोजन को, चाहे रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, सबको मिलाकर रख दे और आप अपने घर के छत पर या छज्जे पे या घर के बाहर कहीं भी ऐसी जगह पे रख दे जहां पे चिड़िया आती हो। और रोज अगर रात का खाना है वो अगर रखते हैं, कटोरी में रखे रहें, सुबह के समय पे 5 बजे के आसपास छत पे डाल दें, उस समय सारी चिड़ियाएं घूमते रहती हैं और अनाज ढूंढते रहती है। सुबह के सुबह 6 बजे के आसपास आप वहां डाल दें। आपके घर पे जब ये अनाज आप रोज रखने लगेंगे, शुरू में तो चिड़ियाएं नहीं आएंगी, कुछ दिनों के बाद आपके छत पे चिड़ियां आनी शुरू हो जाएंगी। और प्रत्येक इंसान अगर ऐसा करता है तो धीरे धीरे आप देखोगे आपके आसपास में बहुत सारी चिड़ियां मंडराएंगी और आहिस्ते आहिस्ते चिड़ियों की संख्या बढ़ेगी, उनकी आबादी बढ़ेगी। पितृपक्ष में सिर्फ कौओं को खिलाकर हम अपने पूर्वजों को अनाज नहीं देते हैं, पितृपक्ष के पीछे बहुत गहरा कारण होता है। पितृपक्ष का ही वो समय होता है जब कौवा की आबादी बढ़ती है, यानी कि उसी समय कौवे बच्चे, उनके बच्चे अंडों से बाहर आते हैं। ये वही महीना है, पितृपक्ष का समय है, उनके बच्चे अंडों से बाहर आते हैं। कौवा जो माँ है या जो पिता है उसको अपने बच्चों के पोषण के लिए अनाज चाहिए ना, इसलिए ऋषियों ने कहा कि ये कौवा हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इनका बचे रहना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने पितृपक्ष के समय बनने वाले अनाज के साथ में पूर्वजों को जोड़ दिया कि पूर्वजों को भोजन दोगे, कौवे को खिलाओगे, तो कौवा जो पिता है या माता है भोजन लेकर कहाँ जाएंगे, अपने बच्चे के पास लेकर जाएंगे, उसका भरण पोषण करेंगे, पेट भरेंगे, क्योंकि उसी समय अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो कौवों की आबादी बढ़ेगी और कौवों की जब आबादी बढ़ेगी तो समाज ज्यादा सुरक्षित होगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे इस नियम कानून और कर्म कांड के साथ इसको जोड़ दिया ताकि चिड़ियों की आबादी बढ़े, क्योंकि उनको पता था इन चिड़ियों से हमारी कितनी सुरक्षा होती है, कितनी रक्षा होती है। आप भी जरूर करें, लेकिन एक चौथी बलि और भी होती है। एक चौथी जो बलि होती है वो बड़ी कल्याणकारी बलि है। चौथी बलि को कहते हैं देव बलि। देव बलि, देव बलि का अर्थ होता है वो लोग जो देवत्व को धारण किए हुए हैं, जो परोपकारी कार्यों में लगे हुए हैं, जो कल्याणकारी कार्यों में लगे हुए हैं, उनको भी बलि दो, उन्हें भी सहयोग करो। तो उनमें गिनती होती है साधु संत महात्माओं की, जो अपने निजी जिंदगी को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर समाज के कल्याण के लिए समाज में विचरण कर रहे हैं, जो किसी पे आश्रित नहीं है लेकिन समाज का के ऊपर ही आश्रित है और समाज को ही भरण पोषण करना है, तो उन
लोगों के लिए, उन साधु संत महात्माओं के सहयोग के लिए उनका जीवन चलते रहे ताकि समाज का कल्याण होते रहे और सबके सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी होती रहे, उसके लिए देव बलि कहते हैं। देव बलि मतलब साधु संत सन्यासियों को सहयोग करना, अनाज देना, उनको भोजन देना, भोजन कराना या सहयोग करना, ये वो बलि कहते हैं। पांचवी बलि होती है, वो पांचवी जो बलि होती है वो अंतिम बलि है जो सबसे सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए वो बलि दी जाती है, और पिपली बलि कहते हैं उसको। पिपली बलि किसको बोलते हैं? चींटियों को कहते हैं। चींटी, पिपली यानी चींटी। चींटियों को अनाज दीजिए, चींटियों को खुराक दीजिए, वो पांचवी बलि होती है। यानी सबसे पहले गौ माता, पक्षी, कुत्ते, साधु संत सन्यासी और सूक्ष्म कीटाणु, सूक्ष्म जीव जंतु, यानी कि चींटी। सिर्फ चींटी नहीं खाएगी, उसके तरह की दूसरी जो प्रजातियां हैं वो भी खाएंगी। इनको भी बलि दीजिए। क्यों? क्योंकि ये वो हैं जिसके कारण से भी कल्याण होता है। आपको पता है आज का समय अलग हो चुका है, लेकिन एक समय ऐसा था हमारे पूर्वज चींटियों से ज्ञान लेते थे, चींटियों से उनको ज्ञान मिलता था। किसान, एक समय था जब किसानों को अपनी फसलों की तैयारी करनी होती थी, फसलों के बारे में सोचते थे, तो चींटियों की गतिविधियों को देखकर वो जान लेते थे कि कल बारिश होने वाली है या नहीं। अगर बारिश होगी तो घनघोर बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, ये चींटियों को देखकर वो जान लेते थे। आज भी आप भी चाहो तो देख सकते हो। अगर किसी भी दिन आपने ये देखा कि जमीन से नीचे से चींटियां ऊपर की तरफ उठ रही हैं और उनके मुंह में अंडा है, सफेद 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 अंडे लेकर चींटियां अगर ऊपर की तरफ जा रही हैं, दीवारों पे ऊपर जा रही, पेड़ों पे ऊपर जा रही, कहीं भी जा रही, इसका मतलब बहुत तेज बारिश होने वाली है। उस दिन होगी या नेक्स्ट डे बारिश होगी। क्यों? क्योंकि चींटियों को पता है, प्रकृति के खगोलीय घटना के अनुसार से चींटियों को पता है कि कल बारिश होने वाली है और तेज बारिश होगी। बारिश इतनी तेज होगी कि हो सकता है पानी से सारे गड्ढे भर जाएंगे और हमारे अंडे मर जाएंगे और हम मर सकते हैं। तो एक दिन पहले ही सुरक्षा के कारण से वो अपने आप को, अपने बच्चों को, अंडों को ऊपर के स्थान पर लेकर जाती हैं। तो उनके चलने की उस गति को जिस दिन चींटियां चलती हैं ऐसे, उस दिन किसान देख लेते थे, जान लेते थे कल बारिश होने वाली है, उसके अनुसार से अपने फसलों की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी कर लेते थे। अनाज डालना है खेतों में, फसल कि जो गठरी है उसको कहाँ सुरक्षित रखनी है, पहले से तैयारी, यानी कि प्रकृति के नियमों के अनुसार से ही हमारी सारी घटनाएं घटती थी। आज भी आपने देखा होगा जो गौरैया चिड़िया होती है, गौरैया चिड़िया अगर धूल में लिपट रही है, धूल से स्नान कर रही है, आपने देखा है कभी बच्चे? आपने देखा चिड़िया को, गौरैया चिड़िया को आपने देखा है धूल से स्नान करते हुए, धूल में पंख फैलाते हुए? कभी देख लेना, कभी देखना, कभी दिख जाएंगे। जब धूल से स्नान कर रही हो गौरैया चिड़िया, इसका मतलब कि बारिश होने वाली है, ये संकेत होते हैं। तो ये सब सारे संकेत है, हमारे पूर्वजों को पता था कि प्रकृति के नियमों के अनुसार से ये पूरी की पूरी एक परिवार, एक फैमिली की तरह है, यानी जीव जंतु भी परिवार के सदस्य हैं, हम भी उसी परिवार के सदस्य हैं, यानी पूरी की पूरी प्रकृति हमारे साथ चलती है। उसके अनुसार से उन्होंने खुद को भी बेहतर बनाया, विकास किया, लेकिन साथ में सभी प्रकृति के जीव जंतुओं के विकास और सबके विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। उन्होंने पेड़ों को भी, हमारे पेड़ों को भी खाद दिया, पेड़ों को भी जल दिया। क्यों? ये भी एक दान है, ये बलि है। इसी को कहते हैं ऋषि मुनि की बलि। का मतलब होता है आपके योगदान से किसी की शक्ति बढ़े। अगर आप पानी डालोगे पेड़ों में तो पेड़ों की शक्ति बढ़ेगी, खाद डालोगे तो पेड़ों की शक्ति बढ़ेगी। तो आपके योगदान से, आपके बलि देने से किसी की शक्ति अगर बढ़ रही हो तो वही सच्ची बलि है। लेकिन ये भ्रम उत्पन्न कैसे हुआ? जब से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब कोई बॉर्डर पे मरता है फौजी, तो कहते हैं कि फौजी ने बलिदान कर दिया। जब कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब मरता था तो कहते थे बलिदान कर दिया। बलिदान शब्द इसके लिए अच्छा नहीं है, उसके जगह पे लोग कहते हैं, आज भी हमारे भारत सरकार में एक नियम है, एक शब्द है जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं वीर गति को प्राप्त होना। जैसे अर्जुन पुरस्कार अगर किसी को मिलता है तो वो ये नहीं कहते हैं कि फौजी ने बलिदान किया, वो ये कहते हैं कि हमारा फौजी
फलाने नाम का फौजी बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। यानी कि जब इंसान देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए है, अपने आप को खत्म कर डालता है लेकिन राष्ट्र को बचाता है, तो उसे वीर गति को कहते हैं, उसे वीर गति की प्राप्ति होती है, उसे बलिदान नहीं कहते हैं। तो बलिदान के इस शब्द के कारण से भी बलि शब्द आया और लोगों ने मारना शुरू कर दिया जीव जंतुओं को। तो कभी भी ध्यान में अपने न रखें कि हमारे देवी देवता कभी भी चाहते हैं कि जीव जंतुओं को मारो और दूसरों को मारोगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें ज्यादा आशीर्वाद देंगे। हर दर्द माँ भगवती कहती है देवी भागवत महापुराण में, सर्व खलवीद में वाहम नान्य दस्ति सनातनम, यानी सारा जगत मैं ही हूँ। माँ कहती है मैं जगत की मालकिन नहीं हूँ, ये सारा जगत मैं ही हूँ और जो कुछ भी तुम्हें इस जगत में दिख रहा है वो सब मैं ही हूँ। यानी जीव जंतु, नर नारी, पशु पक्षी, वनस्पति, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जो भी साकार और निराकार है सब मैं ही हूँ। मेरे ही प्रकट रूप को आप देख रहे हो अनेक अनेक रूपों में। यानी चोट मेरे हाथ पे लगे, चोट मेरे पैर पे लगे, चोट मेरे सर पे लगे, दर्द किसको होगा? दर्द तो मुझी को होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हाथ पे चोट लगेगा तो दर्द नहीं होगा, सर पे चोट लगेगा तो बहुत दर्द होगा। चोट कहीं भी लगे, माँ कहती है मैं ही सब में हूं, मैं ही सब हूं। इसका मतलब कि चोट जब पेड़ों को लगेंगे तो माँ को ही दर्द होगा, चोट जब जानवरों को लगेंगे तो माँ को ही दर्द होगा, चोट जब लगेगी इंसानों को तो माँ को ही दर्द होगा, इस धरती को भी चोट लगेगी तो माँ को ही दर्द होगा। हर बार जब दर्द आप दे रहे हो किसी को तो याद रखना, दर्द तो पहले आप किसी और को दोगे लेकिन बाद में वो दर्द लौट कर आपके पास आएगा। यही कारण है कि जैसे जैसे जीव हत्या हो रही है वैसे वैसे धीरे धीरे इस संसार में आतंकवादी गतिविधियां, भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, अशांति फैल रही है, लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है, अचानक लोग कंगाल हो जा रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं वो दर्द है, दर्द का कराह है जो निकल रहा है। और वो दर्द जब एक बार निकलता है किसी भी जीव के मरने के बाद से, तो वो दर्द खत्म नहीं होता, वो वाइब्रेशन कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा रहता है। और नकारात्मक वाइब्रेशन को उत्पन्न करता है और दानवों को उत्पन्न करता है। और समाज में दानवों को बढ़ाने की प्रवृत्ति को हम ही बढ़ाते हैं। हम चाहते तो हैं कि समाज देवताओं से भर जाए लेकिन दानवी प्रकृति हम अपने ही संस्कार और अपने ही चाल चलन, अपने ही खान पान के कारण से बढ़ा रहे हैं। तो हर हिंसा कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे समाज में एक नरकासुर को उत्पन्न कर रहा है। उससे अपने आप को मुक्त करेंगे तभी जाकर दूसरे दिन हमारी दिवाली ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो प्रेम से बोलिए माँ आदिशक्ति माँ भवानी की, भगवान श्री कृष्ण की जय।